everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about reaction of ethanol with ethanoic acid. So ethanol क्या होता है? एक तरीके का solvent है, ठीक है? Soluble होता है water के अंदर और liquor में use किया जाता है. तो आज हम इसकी reactions पढ़ने वाले हैं. तो reaction, first reaction है reaction of ethanol with sodium. आप सबको पता है इथेनॉल को C2H5OH बोलते हैं या CH3CH2OH बोलते हैं. फर्स्ट रिएक्शन है, अगर हम क्या करें, इथेनॉल को मेटल के साथ यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास बनता है सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन. पर कैसे बना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में से इथेनॉल में से इतना पार्ट निकाल देंगे CH3CH2O, ठीक है? इसको निकाला और किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, सोडियम के साथ. तो क्या बन जाएगा ये वाला पार्ट अगर इसके साथ कंबाइन करेगा, CH3CH2ONA, राइट? CH3CH2ONA इतना पार्ट हो गया. अगर यहां पर बच जाएगा एक हाइड्रोजन, अब आप ये सोचिए कि यहां पर टू है ही नहीं, भूल जाइए इस टू के बारे में. चलो अब देखो, CH3CH2O और ये Na रिएक्ट करके बना रहे हैं CH3CH2ONA और एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है. बट अगर हमने इस हाइड्रोजन को टू करना, अगर इस हाइड्रोजन को टू करेंगे तो इस हाइड्रोजन को भी टू करेंगे क्योंकि H अकेला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं. तो अब हम इसको किस तरीके से करें, देखिए जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी किसकी, आपके एल्कोहल की, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी. तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यानी H2O निकलेगी और अगर H2O निकल रही है तो आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा. जब आप यहाँ बैलेंस करेंगे तो H यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये देखिए ये वाले H2 हो गए और यहाँ पर भी कितने हैं, 2. जब ये वाले H2 हो गए तो ये भी 2 हो गए और ये वाला पार्ट भी तो 2 हो गया ना. तो ये वाला पार्ट जब 2 हुआ तो हम इतने पार्ट के आगे, इतने पार्ट के आगे 2 लगा देते, राइट? बट ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम इतने पार्ट के आगे 2 लगा रहे हैं और ये Na2 ना हो? नहीं. तो ये सोडियम भी 2 हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एल्कोहल चाहिए, एसिड चाहिए, हाइड्रोजन सल्फेट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. तो हम क्या करेंगे ना, अल्कोहल ले लेंगे और जब भी अल्कोहल के एसिड के साथ रिएक्शन होगी वाटर निकलेगा. वाटर निकाल दिया हमने, कैसे निकाला, देखो ये इथेनॉल बनाया हुआ है मैंने आपका, इथेनॉल में से ये H2O निकाला है, ये वाला H2O मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया और बचा क्या, ध्यान से देखिएगा ये वाला जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा. सेंटर में शिफ्ट हो गया तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये दूसरे वाले कार्बन यानी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस इज योर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद योर एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, अगर हम इथेनॉइक एसिड के रिएक्शन पे आते हैं तो बहुत इजी है. देखिए इथेनॉइक एसिड लिख दिया हमने, वहां पे इथेनॉइक एसिड लिखा हुआ है CH3COOH. अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमारी है इथेनॉल के साथ. इथेनॉल के साथ रिएक्शन तो हम करेंगे क्या, देखो बिल्कुल ईजी है, इतना पार्ट निकाल दो CH3COO, ठीक है? हमने इतना पार्ट यहाँ लिख दिया, देखो ठीक है CH3COO हमने इतना पार्ट यहाँ लिख दिया. उसके बाद यहाँ से निकालो इथेनॉल में से, पहले निकालो CH2 निकाल लिया, फिर इथेनॉल में से निकालो CH3 निकाल लिया. तो बचा क्या अब हमारे पास, H और OH. तो हमारे पास H और OH मिलके क्या बनाते हैं, वाटर. तो ये जो रिएक्शन हुई ना आपकी, दिस इज योर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन और इसका नाम है ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है? परफ्यूम्स में यूज किया जाता है ईस्टर को. अच्छा अगर हम बात करें, एक और रिएक्शन है जिससे ना हम सोप बना सकते हैं. तो हम सोप कैसे बनाएंगे, सोप बनाने के लिए हमें इथेनॉइक एसिड में क्या डालना पड़ेगा, बेस. कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है, देखिए कैसे हम क्या करेंगे, इतना पार्ट निकाल देंगे, इतना पार्ट निकाल दो और यहाँ से इतना पार्ट निकाल दो. तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3COONA, यही बना CH3COONA. ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम एसीटेट. क्या बन गया, सोडियम एसीटेट. और हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर बचा है, एक हाइड्रोजन ये रहा, OH ये रहा, देन वी विल लेफ्ट विद वाटर. हमारे पास क्या बच गया, वाटर बच गया.
ठीक है, सो ये रिएक्शन थी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन थी? सेपोनिफिकेशन. ऊपर वाली कौन सी थी? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ये वाली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अगर हम इसकी बात करें, अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ करते, तो इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे? देखिए, पहले तो ये याद कर लीजिए, जब भी कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो CO2 तो निकलेगी निकलेगी, ये तो कंफर्म है. H2O भी निकलेगा निकलेगा, तो फिर बचेगा क्या? सिंपल है, ये भी सारे रिएक्शन में ना इतना पार्ट तो टूट ही रहा है, इतना पार्ट तो टूट ही रहा है. तो यहाँ पर बिना सोचे समझे लिख दीजिए CH3COONA. ठीक है, CH3COONA. पर अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 है सोडियम और यहाँ तो ये पूरा पार्ट 1 है, तो हम इसको डबल कर देंगे. अगर हम इसको डबल करेंगे तो देखो यहाँ तो सोडियम तो 2 ही है ना, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, बट ये वाला पार्ट CH3COO वाला पार्ट यहाँ पे 2 नहीं है. तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ना, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये वाला पार्ट भी पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस में हो जाएगा. अगर हम CO3 की बात करें तो CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या हो जाएगा? CO2. अभी हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पेंडिंग है, ठीक है, एक ऑक्सीजन पेंडिंग है, तो हो गया CO2. और अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन ये, और इसका ट्वाइस देख लो H2, ये H2 और ये वाला ऑक्सीजन जो पेंडिंग में चल रहा है वो निकल गया. वॉट हो गई रिएक्शन बैलेंस. नेक्स्ट है मेटल हाइड्रोजन कार्बन. ये बहुत ईजी है, इसमें आपको बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है. कैसे? देखो वही चीज है बेटा, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं. CH3COO यहां से निकाल दो, Na क्या बनेगा? CH3COONA सोडियम एसीटेट. ठीक है, सोडियम एसीटेट वाटर, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन यहां से ले लो. ठीक है, H2O राइट, H2O और CO2 तो हो ही जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से पेंडिंग है. सो बेसिकली दीज आर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. पर ये आपकी बार आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कार्बोनेट कंपाउंड्स में. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए. ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू एवरीवन.